Welcome back to my channel. I'm Jyoti, and in today's video, I'm gonna show you this polka dots nail art. As you can see on my nails. So, आज मैं आपको इस polka dots nail art बनाने का बहुत ही सरल और homemade तरीका बताऊंगी, जिस पे आप अपने घर बैठ के भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम equipments के साथ ये इतना सुंदर सा nail art बना सकते हैं मेरी तरह. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस नेल आर्ट को बनाने के लिए आपको बस तीन चीज़ें चाहिए, रेड नेल पेंट, वाइट नेल पेंट और टूथपिक. बस यू आर डन. सो गाइस, ये है हमारा स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन में आपको क्या करना है, बस आपको अपने हाथ को बहुत ही अच्छी तरीके से टेबल पे या बेड पे, जहाँ पे भी आप अच्छे से नेल पेंट लगा सकते हैं अपने हाथों पर, बस आपको अच्छे से अपने हाथों को टेबल पर सेट कर लेना है. और हमें नेल पेंट का पहला कोट लगाना है अपनी पांचों उंगलियों में, या आप जितने भी उंगलियों में आप लगाना चाहते हैं, अपना पहला कोट लगा लीजिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ. सो गाइस, ये हो गया आपका स्टेप नंबर वन कंप्लीट. स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू है, अपने नेल्स पे फिर से नेल पेंट लगाइए. यस, सेकंड कोट अप्लाई कीजिए. सेकेंड कोट अप्लाई करने से आपके नेल्स पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और आपके नेल्स और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं. देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, आप देख रहे हैं ना. सो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्रांड के नेल पेंट मैंने यूज़ किए हैं आप भी उसी ब्रांड के नेल पेंट यूज़ करें. आप किसी भी ब्रांड के नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं. और ये देखिए, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय सेकंड नेल कोट. बस आपको एक ही बात का याद ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ को प्लेन सरफेस पे रखें, जिस तरह से मैंने अपना हाथ रखा है. ये देखिए, आई एम डन. स्टेप नंबर टू इज डन. थर्ड एंड लास्ट स्टेप. यहाँ इस थर्ड स्टेप में आके आपको एक ट्रे की ज़रूरत होगी. मैंने यहाँ थर्माकोल की ट्रे ली है ताकि मेरी कोई भी पर्सनल ट्रे ख़राब ना हो. और यहाँ मैं इस थर्माकोल की ट्रे में रेड कलर की नेल पेंट डाल रही हूँ ताकि मैं टूथपिक से इसको बहुत ही आसानी से अपने नेल्स पे लगा पाऊँ. आप देख सकते हैं. सो गाइस, अब मैंने यहाँ पे अपनी एक टूथपिक ले ली है और अब मैं इस टूथपिक की हेल्प से अपने हाथों में पोल्का डॉट्स लगाऊंगी रेड कलर के. बस मेक श्योर कि आप अपने हाथों को बहुत ही स्टडी रखें और अच्छे से टेबल के ऊपर सेट कर लें. बस अब एक एक करके डॉट्स बनाते जाएं और आपका नेल आर्ट कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपके कुछ डॉट्स ख़राब भी हो जाते हैं या हल्का मैसी भी हो जाते हैं तो गाइस, टेंशन की कोई बात नहीं है. इतना दूर से आपके हाथों को कोई भी नोटिस नहीं करता है, अनटिल अनलेस आप उनमें एकदम घूर के ना देखें. मैं आपको गारंटी देती हूँ, दूर से आपका ये इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन देख के सब लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे. आपको इस नेल आर्ट को लगाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, एंड आई एम श्योर आपके पास तो वो होगा ही. मैंने यहाँ अपनी सेंटर वाली उंगली में डिज़ाइन एकदम सिंपल सा प्लेन ही रखा है, बस एक छोटा सा फ्लावर बनाया है. यहाँ सेंटर वाली उंगली का डिज़ाइन मैंने थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग रखा है गाइस, और ये ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग रखने से बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे पर्सनली इस टाइप के डिज़ाइन बहुत पसंद है जिसमें किसी भी एक उंगली का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो. सो गाइस, देखा आपने थोड़ी सी मेहनत में कितना सुंदर सा नेल आर्ट घर पे आप आसानी से बना सकते हैं. एंड आई एम डन विद पोल्का नेल आर्ट. तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये नेल आर्ट वीडियो? आई होप आपको ये पोल्का डॉट वाला नेल आर्ट बहुत पसंद आया होगा. और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये नेल आर्ट कैसा लगा, और
ये भी कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, किस टाइप के नेल आर्ट अगर आप देखना चाहते हैं या कोई मेकअप वीडियो देखना चाहते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।